एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षकों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि समस्त स्कूल सरकार की गाइडलाइंस का अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है और वे फीस व एग्जाम संबंधी नियमों को तोड़ते हुए किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाने पर आमादा है, जबकि स्कूल आउट ऑफ वे जाकर उनका सहयोग करने में जुटे हुए हैं। बीते दिन कुछ अभिभावकों द्वारा सेंट मेरी व अन्य स्कूलों में नंस व प्रिंसिपल्स के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे विभिन्न स्कूली स्टाफ में असुरक्षा की भावना पनप गई है। अतः आपसे आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्कूलों को सुरक्षा प्रदान की जाए। वी आर फ्रॉम मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स। हम COVID-19 में जितना रूल गवर्नमेंट कर रहा सारा उसका हम फॉलो कर रहे हैं और अक्षरता पालन कर रहे हैं। हर पेरेंट्स के लिए आउट ऑफ वे जाके हेल्प कर रहे हैं। आप कोई ये चाहे कि बिना फीस के और बिना एग्ज़ाम दिए बाकी प्रोसेस पूरा हो जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। अब इसकी मनवाने के लिए कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, ये भी अच्छा नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ आज DM सर के पास और SSP सर के पास आए हैं कि हमें थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए। मनोबल खराब गिर रहा है टीचर्स का, स्टाफ का, कि कोई बात ना हो जाए। हमारे प्रिंसिपल सर अगर इस तरीके से डरे रहेंगे तब हम कैसे बाकी सारे काम गतिविधियां स्कूल में पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स की चला पाएंगे। इसीलिए यस, हाँ, DM सर ने आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ध्यान रखते हैं और हम आपकी बात मतलब हम आपको आपकी बात समझते हैं।